जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को एक नए ब्लॉग में बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक नए ब्लॉग में आप सभी को एक दिखाने वाला हूँ कि देवरिया में एक ऐसा स्थान है देवी जी का जो बहुत ज़्यादा माना जाने वाला स्थान है। तो हम चलिए अपनी जर्नी को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं, और आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा। वाकई में आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो पेट्रोल भी नहीं है, पेट्रोल भी भरवाना पड़ेगा रास्ते में। तो गाइस हो गई है गड़बड़, हम लोग गांव की तरफ आ गए हैं और पेट्रोल पे हम लोग पेट्रोल भराना भूल गए। तो आइए चलिए हम देखते हैं आगे क्या होता है। अभी सर्च किया हूँ तो पेट्रोल तो दिखाई भी नहीं दिया कहाँ पर टंकी मिल जाता तो बढ़िया रहता, क्योंकि बिल्कुल भी तेल नहीं है और हम लोग 10 किलोमीटर ही चल सकते हैं, इतना ही तेल है हमारी गाड़ी में। क्योंकि अब भूल ही गया हूँ क्या करूँ मैं, तो फिर अब चलते हैं आगे देखते हैं पेट्रोल टंकी मिलता है कि नहीं। गाइस फाइनली पेट्रोल टंकी मिल गया और पेट्रोल भरवा रहे हैं। बहुत अच्छा रहा कि मिल गया पेट्रोल, नहीं तो मुझे लग रहा था कि धक्का दे के ले जाना पड़ेगा गाड़ी। और ऐसे कुछ यहाँ पे देखिए नज़ारा है कुछ इस तरह का। गांव साइड में भी पेट्रोल टंकी आज से खुल गया है तो अच्छा ही है इसके लिए, वरना बहुत दिक्कत होता है। देखिए इस तरह कुछ नज़ारा है, और देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 365 रुपये का तेल भरवाया, 35 रुपये का यहाँ पे रेट है। आगे गांव के रोड भी देखिए कितने शानदार हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। हम लोग देवरिया में हैं, देवरिया शहर, और देख सकते हैं आप हर एक रोड बहुत अच्छा रोड है। आजमगढ़ का आपने ट्रिप देखा होगा तो कई जगह आपने देखा होगा कि बहुत सारे रोड खराब खराब आपको मिलते हैं। और हम लोग इस टाइम गांव में हैं, गांव की तरफ से जा रहे हैं, आप देख सकते हैं अगल बगल सारा। और देखिए सारा सुहाय दोस्तों, हम लोग आ गए हैं उस मंदिर पर जो हम बताने वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो यह दोस्तों जो हनुमान जी का जो मूर्ति है, यह 50 फीट की मूर्ति है, और मंदिर जो है आप देख सकते हैं करोड़ों इसमें लागत में बना हुआ है। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जो यह मंदिर है, मंदिर बनियानी जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पे यह बना हुआ है। साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर, इस साइड में मंदिर कितना खूबसूरत सा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हवन यहाँ पे होता है साइड में। और उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर है, मंदिर के अंदर यहाँ पे शिव मंदिर जो है, शिव जी का मंदिर आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे शिव जी का अंदर मंदिर है। शिव जी का मंदिर के बाद से फिर आइए आगे आते जाइए। माता जी का मंदिर है यहाँ पे अंदर, चूंकि बंद है इसलिए, क्योंकि बज गया है 1:30 बज रहा है और नवरात्रि का टाइम हो रहा है, इसलिए सारे लगभग मंदिर जो है वो बंद चल रहे हैं। यहाँ पे भी माता जी का अंदर मंदिर है, लेकिन यही है कि बंद होने की वजह से दोपहर में बंद हो जाता है। आप सभी लोग जानते हैं हिंदू में यह होता है कि दोपहर में 12 बजे के बाद और लगभग 3 बजे तक मंदिर बंद रहता है। खैर इतना दिखा, अंदर जो है माता जी का मंदिर है। जो मंदिर है सुरेश तिवारी जी ने, जो कि यहाँ के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने मंदिर को बनाया है करोड़ों रुपये की लागत से। और यह मंदिर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो देवरिया से 17 किलोमीटर दूर है
मैं आपको यहाँ से लोकेशन दे दूँगा, लोकेशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया गया है, जितना कैमरे में दिखाई दे रहा है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। और जब आप यहाँ पर आएंगे इस चीज़ को समझ पाएंगे कि कितना ज़्यादा बेहतरीन मंदिर है वाकई में। आप देख सकते हैं बाहर भी गेट सारा बहुत चौड़ा मंदिर है, बहुत चारों तरफ से मंदिर पूरी तरह से यहाँ पर फैला हुआ है और परिसर भी बहुत ज़्यादा साफ सफाई यहाँ पर है। साइड में आप देख सकते हैं साइड में पूरा यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं और पौधे लगे हुए हैं और साइड में यहाँ पे शनि देव जी का भी आपको नीचे यहाँ पे दिखाई देता है। अगरबत्ती पे जलाने के लिए आप वहाँ पे जला सकते हैं अगरबत्ती, और यहाँ पे शनि देव महाराज का भी आपको यहाँ पे मूर्ति दिखाई दे देगा नीचे। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय श्री राम, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और यहाँ पर आइए एक बार दर्शन कीजिए। कभी भी मैं भी पहली बार यहाँ पर आया हुआ हूँ, मैं भी यहाँ पे जब सुना इस चीज़ को तो आया देखने के लिए। और यहाँ पे देवरिया में बहुत ही इससे बेहतरीन तो मैं कहूँगा कोई ऐसा मंदिर नहीं है, और अपने आप में ही विशाल का है। हनुमान जी की जो मूर्ति है 50 फीट की मूर्ति है। तो दोस्तों पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।